Eat about it! किरारफा हो सकता है, चांद रात हो सकती है, और इसलिए लोगों की बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि मौसम भी साफ हो चुका है, तो लोगों की बड़ी अच्छी गहमा गहमी है। सवेरे से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी हो रही है। कस्टमर इनशाला जामिया मस्जिद फेमस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है शहर खास के नौहटाला के, आज बाजारों में काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल, अगर से देखा जाए तो बच्चे अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं हमें कुछ बच्चे जो है मेहंदी लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर से देखा जाए तो बाजारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। हाँ, बारिशें ये तो थी, बारिशों ने यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा मतलब दिल रंजीदा कर दिया, खासतौर पर छोटे बच्चे जो इन बाजारों में घूमते रहते हैं। चूँकि ईद के आखिरी हफ्ते में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है, बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है, और आज गालिबन और मुमकिन तौर पर चांद रात भी है, इसलिए पायन शहर के इस जामिया मस्जिद श्रीनगर जो तारीखी जामिया मस्जिद है, ये हमेशा जो यहाँ का बाजार है ये एक हिस्टोरिकल बाजार रहा है, तारीखी बाजार रहा है, इसकी अपनी एक अफादियत है। और यहाँ पर ज़्यादा तौर पर आप देखेंगे कि खवातीन यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेडीज़ शॉपिंग ज़्यादा करते हैं बच्चों के लिए, हालांकि यहाँ पे हर किस्म की शॉपिंग होती है, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पे इस पायन शहर में खवातीन ईद के मौके पर शॉपिंग करने आती। कल दिन बारिशों से गुजरा और आज मुमकिन अरफा हो सकता है, चांद रात हो सकती है, और इसलिए लोगों की बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि मौसम भी साफ हो चुका है, तो लोगों की बड़ी अच्छी गहमा गहमी है। सवेरे से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी हो रही है, ख़ास तौर पर यहाँ जो ये बाजार है, यहाँ पे छोटे बच्चों और जो ख़वातीन के लिए मखसूस अशिया होती है उसकी खरीदारी बड़ी बड़े शबाब पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ा काम ठीक ही है, लेकिन बारिश की वजह से डिस्टर्ब तो हो गया है, काम थोड़ा बहुत रात के उतर थे, तो शुक्र तथम से रोबस को नस्टमर इनशाला जामिया मस्जिद से यह फेमस मतलब पूरे श्रीनगर मजान इनशाला कम द्रोजर कहें बन पुन ये मार्केट जामिया मार्केट अलहमदिल्ला तवे कस्टमर जी रिजनेबल प्राइस मिलान।